जो अपने पार्टनर्स की देखे ना भाई, बहुत मोटे मोटे वीन्स आ जाते हैं भाई। तो वो कोई वो नहीं कि भाई वो फिटनेस करता है भाई, तो बीमारी है। ज्यादा वीन्स दिखना, मोटी मोटी वीन्स दिखना भाई, वो बीमारी भी है। मुझे फिटनेस के साथ साथ मुझे भाई मैकेनिक भी बना दो अपनी बॉडी का भाई। मैं कस देता हूँ आपकी बॉडी और मैं निकाल देता हूँ सारे तार बाहर। तो भाई न, तो हेलो दोस्तों, फिर क्या हाल चाल? आशा करता हूँ सब लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और भाई फिटनेस एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो हम लोगों की भाई बाइसेप पार्ट के ऊपर होने वाली है कि भाई आप जल्दी से जल्दी आप अपनी बाइसेप की पीक और भाई बाइसेप की वीन, पीक और वीन दोनों चीजें बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई आज का टॉपिक हम लोगों का उसके ऊपर होने वाला है। सो भाई लेट्स एंजॉय एंड गेट स्टार्टेड। थैंक यू। करते हैं सबसे पहली कि भाई आप लोगों की वीन वो निकलती क्यों नहीं है, पहले उसको बारे में बताएंगे कि भाई आपकी वीन क्यों नहीं निकलती है, और फिर मैं अपना टेक्निक बताऊंगा जो भाई आप आजमा के बहुत जल्दी से जल्दी अपनी बाइसेप की पीक और भाई वीन दोनों चीजें बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रो अप कर सकते हो और भाई दिखा सकते हो सब लोगों की भाई हाँ बाइसेप की पीक बहुत बढ़िया लगती है। तो पहली जो बात आती क्यों नहीं आती है, तो सबसे मेन बात आती है भाई फैट। अगर बॉडी में फैट होगा ना, फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, तो भाई कटिंग ले लो और वीन्स ले लो, दोनों चीजें आप लोग हमेशा तरसते ही रह जाओगे। 200% नहीं आएंगी दोनों चीजें, 200% नहीं आएंगी, और आप लोग भाई देखते रह जाओगे दूसरों की, कि दूसरों की वीन देखो और अपनी वीन देखो। चाहे जितना वर्कआउट कर लो, अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है और आप लोग अगर BMI के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो पीक तो भूल जाओ, बाइसेप की जो वीन है ना वो नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई अपने फैट परसेंटेज को कम रखो जितना हो सके भाई। अपनी स्किन को ना, ये देखो स्किन को जितना आप लोग पतला कर दोगे ना, थिक जितना कर दोगे ना, फिर उसके बाद भाई साहब वीन ही वीन है। आप लोग और बहुत सारे लोगों के वीडियो देखते होंगे, ये ले लो वो गोली ले लो, ये पाउडर वो पाउडर। फैट परसेंटेज को अगर हाईएस्ट कर दोगे ना, कोई भी पाउडर आपके ऐसा वेस्ट में निकल जाएगा, आपके वो शरीर में लगेगा ही नहीं, सिर्फ पैसे बर्बाद होते चले जाएंगे। और भाई अगर आप लोगों ने फैट परसेंटेज कम कर लिया, फिर वीन भी आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ऐसा नहीं कि फैट परसेंटेज बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं, प्रोटीन ही खा रहे हैं, खाओ सब कुछ, लेकिन तो ज्यादा जो कैलोरीज वाली चीजें उनको थोड़ा सा कम करो। एकदम से नहीं आ जाएगी ना, एकदम से अगर आप लोग पैसे की पीक चाह रहे हो एक दिन में आ जाए, कुछ लोग बता रहे 2 घंटे में आ जाए, 2 घंटे तक पैसे मारते रहो, आ जाए तो मुझे बताना फिर, क्योंकि भाई मैं अपने गुरुजी के अंडर गाइडेंस में चलता हूँ। मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले उनसे जरूर पूछता हूँ कि भाई कैसे आनी चाहिए, कैसे क्या बताना है अपने व्यूअर्स को, क्या मतलब बेस्ट से बेस्ट देना है। तो भाई सबसे बात, पहली बार फैट परसेंटेज को कम रख के और भाई कैलोरीज वाली चीजों को कम करके, और प्रोटीन, प्रोटीन ऐसा नहीं मैंने प्रोटीन बोल दिया आप लोग तो डब्बे खरीद लाओ, प्रोटीन से बनी हुई चीजें आप लोग अपने इंटेक में लीजिए एज अ डाइट, और भाई फिर फैट लॉस को कम करिए या फिर फैट परसेंटेज को कम करिए, अपना BMI चेक करवाइए। बढ़िया बढ़िया जिमों में भाई आपकी टाइम टू टाइम BMI चेक होती रहती है, और भाई उसी के हिसाब से आपका डाइट बनता है, डाइट चार्ट बनता है। तो भाई अगर आप लोगों के जिम में नहीं है तो जिम के ऑनर से बोलो, वो आप लोगों का अवेलेबल 200% करवाएंगे। हम लोग अपनी जिम में करवाते हैं तो भाई आपके जिम में क्यों नहीं करवाएंगे, और नहीं करवाते हैं तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। भाई मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि भाई BMI कैसे चेक करनी है अगर आप लोगों के जिम में कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके कोई सी भी अगर कठिनाइयां पे परेशानियां आ रही है ना, मैं सबका शॉर्ट आउट दूंगा। अब भाई मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, इस वीडियो में जाइए, वीडियो में कमेंट डाउन करिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा और भाई आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज बताऊंगा, क्योंकि भाई बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया हुआ है, मैंने सबका देखा,
फिर मैंने अपना बताया जो है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई एकदम से निकलवा दो, एकदम से नहीं आती है, एकदम से अगर आ भी जाएगी तो एकदम से चली भी जाती है। जेबा तो मेन है ना, कि एकदम से अगर आएगी तो एकदम से चली भी जाएगी। क्योंकि आप लोग ना हफ्ते में 2 दिन जिम करोगे, 5 दिन गोला मारोगे, फिर मोमोज वोमोज खाओगे, एक दो बार खाओगे, मैं कहता हूँ कि एक दो बार में रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर आप लोग एक दिन और ऐसा चलता है ना, तो इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, इसलिए बहुत जल्दी नहीं आती है। क्योंकि मेरा भी पहले बहुत सारी वीन्स थी, लेकिन फिर टाइम टू टाइम जैसे मान लो कुछ वर्क लग गया, अगर मैं नहीं जा पाया जिम, लेकिन मैं तब भी जब, और हाँ वीन की बात जो होती है ना वो आता है आपके पंप के बाद, दिखेगा आपका, लेकिन अगर वो ज्यादा दिख रहा है इट मीन्स आपको कोई ना कोई बीमारी भी आ जाती है। ऐसा नहीं, वीन वीन दिखना हमेशा बढ़िया ही रहता है। मैंने बहुत सारे लोग अपने जो लड़के हैं ना मेरे स्कूल के या फिर जो मेरे जो पार्टनर्स हैं, मैंने सबका देखा बहुत, और मैंने जो अपने पार्टनर्स की देखी ना भाई, बहुत मोटी मोटी वीन्स आ जाती हैं भाई। तो वो कोई वो नहीं कि भाई वो फिटनेस करता है भाई, वो बीमारी है। ज्यादा वीन्स दिखना, मोटी मोटी वीन्स दिखना भाई वो बीमारी भी है। क्योंकि पतला होगा और भाई फिर वीन्स ही हैं आपके, बाहर हैं छोटे छोटे और भाई चेचिस हैं और भाई क्या अपनी बॉडी में। हाँ अब भाई मुझे फिटनेस के साथ साथ मुझे भाई मैकेनिक भी बना दो अपनी बॉडी का, भाई मैं कस देता हूँ आपकी बॉडी और मैं निकाल देता हूँ सारे तार बाहर। तो भाई नॉलेज के साथ चलो, ऐसा नहीं कि एक एक दो घंटे में वीन निकलवा दो तो आधे घंटे में चली भी जाएगी वो। और वीन आती है भाई, बढ़िया वीन आती है और बहुत प्रॉपर दिखती है वो भाई, आती है आपके वर्कआउट जब करते हो ना, जब पंप आता है, जब भैया जब आप लोग वर्कआउट करते हो ना, जब आपके पंप आता है तब वो बहुत बेस्ट तरीके से दिखती है। तो भाई नॉलेज के साथ चलो, तो तभी आप लोग कहीं ना कहीं अपना बेस्ट दे पाओगे। और भाई इंस्टाग्राम और भाई यूट्यूब पे फॉलो करना ना भूलें, और भाई ऐसी टॉपिक जानने के लिए और ऐसी अपनी गलतियों को फेस करो, और भाई तभी आप लोग उससे ओवरकम करके आप लोग अपना बेस्ट कर पाओगे। तो स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू। और यही था भाई आज का अपना टॉपिक। तो भाई बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड एंड बी सेफ। थैंक यू।